सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल अलजेब्रा की, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होंगे, ईयर वाइज नहीं होंगे। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 है ईयर वाइज, लेकिन एक ईयर को 2 सेमेस्टर ब्रेक कर दिया गया है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, लेकिन दिक्कत यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 1 है, हो सकता है कानपुर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 फॉलो करती है, वहां का सेमेस्टर 2 लखनऊ में 1 को फॉलो करे, कहीं कुछ हो सकता है चंडीगढ़ में कुछ हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है इलाहाबाद में कुछ हो सकता है, लेकिन सिलेबस लगभग सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं उठा रहा हूं मॉडल अलजेब्रा। मॉडल अलजेब्रा थोड़ा सा टेक्निकल मानी जाती है, कारण यह है कि हम छोटे क्लासेस से थोड़ा बहुत सेट थ्योरी हमको पढ़ाई गई, इंटरमीडिएट में आते आते सेट थ्योरी इतनी हल्की हो गई है। सेट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं जहां पर लॉजिकल प्रूफ नहीं बताए जाते, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रूफ हम कर लेते हैं, लॉजिकली हमको थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, टफ नहीं है। अलग अलग टीचरों ने वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अलग क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आए, मेरा विश्वास है समझ में आना ही चाहिए, आना चाहिए मतलब आना चाहिए, आएगा। ठीक है, नमस्कार, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आएगा, अच्छा नंबर सिस्टम के बारे में आप छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, और इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, सब जानते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो प्योर देहात से हैं, वो भी लगभग जानते हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है और बहुत ही शॉर्ट में आप इंग्लिश में लिखना जानते हैं, इसलिए लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा कुछ लगेगा कि हमको उसे हिंदी में बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड यहां पर आता है बाइनरी ऑपरेशन। बार बार ये दिक्कत करे तो राइटिंग गड़बड़ है मान, लेकिन अब मैथमेटिक्स में राइटिंग से क्या मतलब है, बाइनरी ऑपरेशन। देखो, बाइनरी को कहा जाता है द्विआधारी संक्रियाएं। देखिए, दो नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला नहीं, जैसे मैंने कहा 2 और 3 को एड कर दो, तो आपने 2 नंबर की पे एक ऑपरेशन लगाया, ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अगर 2 माइनस 3 कर रहे हो तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो जितने भी प्लस है, माइनस है, इनटू है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, सब बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन को कहा जाएगा ऐसे ओ बना दिया जाएगा, तो इसे ओ पढ़ा नहीं जाता है, बहुत लोग ओ भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, वैसे इसको ए बाइनरी बीप कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी, 2 नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस करने को, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक तो वर्ड आएगा बाइनरी ऑपरेशन का, दूसरा यहां पर वर्ड आएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक भी पढ़ते हैं इसको, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई एक सेट है, सेट को यहां पर फिलहाल चूंकि एक नया नाम यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रुप, जैसे सेट का नाम दे दिया गया जी, केवल उसका नाम दिया गया, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेट मान लेते हैं जी, ठीक है, मान लिया जी में 1, 2, 3 ये सब नेचुरल नंबर है, और आप इन नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं वो पॉजिटिव है, प्लस है, आप प्लस करना चाहते हैं नंबर, आप क्यों करना चाहते हैं, कुछ नियम कुछ रूल्स तलाशना चाहते हैं, तो हम कहेंगे जी प्लस, ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, जैसे मान लिया हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो लिखेंगे जी इंटू, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इंटू जी एक सेट है, इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, या इस बाइनरी ऑपरेशन पर नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कहेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर लिखा जाएगा जी बाइनरी, तो बाइनरी प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे वो क्या कह रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो नंबर्स है ना, अलग अलग नियम को फॉलो करेंगे और अलग अलग नियम से उनके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक मैथमेटिक्स के बड़े ही धमाकेदार टॉपिक की, टफ नहीं है, पहले बार बार हम बता देते हैं, लेकिन हाँ टेक्निकल तो है, ब्रेन तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी मचले ऐसा हो जाए कि थोड़ा वो तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, ग्रुप में सबसे पहले आता है ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड, GROUPOID। देखो भाई, हर शब्द की हिंदी नहीं हमको मान, और ना ही आपको हिंदी हर चीज की मिलेगी भी, अगर हिंदी मीडियम बुक उठाएंगे वहां भी ग्रुपॉइड लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि ग्रुपाइड क्या होता है, ये कहा गया कि लेट जी बी आ सेट, जी एक सेट है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एंड ऑपरेशन इज बाइनरी, ऑपरेशन इज बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशन है उसके बीच में, मतलब नंबर्स के बीच में एक ऑपरेशन है, वो प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, वो बाइनरी है। सो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी बाइनरी, मतलब जी सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइंड है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ग्रुपाइड, इसको ग्रुपाइड कहते हैं। क्यों, कब, इफ, पहली बात इट फॉलोज द क्लोजर लॉ, कि इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग लॉ, फॉलोइंग लॉ, कौन सा लॉ है, क्लोजर लॉ फॉलो करें, क्लोजर लॉ फॉलो करना चाहिए। क्या होता है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर दो नंबर जी को बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज ए बाइनरी बी भी जी में होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, मैं अगर बात करूं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर में माने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है, आप कोई भी दो नंबर उठाइए और उन दो नंबर को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने पर जो भी नंबर आएगा वो इसी सेट के अंदर होगा, होगा मतलब होगा ही, तो यानी ये क्लोजर लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। या आप मल्टीप्लाई का साइन उठाइए, आप कोई दो नंबर लीजिए, उनके पास उनके बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो इस सेट के अंदर होगा, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोजर लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ बाइनरी, इसको जो लैंग्वेज कहा जाता है, आप लिखेंगे ए एंड बी आर क्लोज्ड, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन बाइनरी, अंडर द ऑपरेशन बाइनरी, ये लैंग्वेज लिखी जाती है, आप लिखिए ऑपरेशन बाइनरी, बाइनरी बोले तो दैट में भी पॉजिटिव, दैट में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्लोजर लॉ, और अगर ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है तो इसको ग्रुपाइड कहते हैं, या दूसरा नाम इसका है क्वासी ग्रुप, इसका दूसरा नाम है क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप। अब देखो एक एक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और एक एक नाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो ये क्वासी ग्रुप होगा, अब अगर दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो इसका नाम आ जाएगा सेमी ग्रुप। तो पहला तो हो गया ग्रुपाइड, अब चूंकि बार बार यही आएगा इसलिए हम इसी में लिखे दे रहे हैं, दूसरा लिखते हैं सेमी ग्रुप, दूसरा है नाम सेमी ग्रुप। अच्छा नाम से लग रहा है कि भैया सेमी माने आधा, आधी प्रॉपर्टी इसमें हो जाएंगी, यानी कि एक प्रॉपर्टी होगी आधी तो दो और चार प्रॉपर्टी कुल होगी। क्या कहा गया कि अगर जी एक सेट है वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जो भी हो, तो कह रहे हैं जी वी ए सेट एंड ऑपरेशन बाइनरी इज देयर, सो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी बाइनरी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, इसको सेमी ग्रुप कहते हैं, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, सेमी माने आधा, इफ इट फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, करना मतलब करना ही चाहिए, और दूसरी बात ये एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के नियम को फॉलो करना चाहिए। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, सहचर नियम, हिंदी में इसको सहचर कहते हैं, मतलब क्या हुआ कि ए बाइनरी बी करें फिर बाइनरी सी करें, या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करें। आपने छोटे क्लासेस में वर्ड मास पढ़ा होगा, वे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, जो भी रिजल्ट आए उसको सी से ऑपरेट करें, क्या पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें जो भी रिजल्ट आए फिर इसको ऑपरेट करें, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी, यानी एबीसी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप की डेफिनेशन होगी, ठीक है।
अच्छा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं बात कर रहा था नेचुरल नंबर की, उस पर सेट लिया था हमने, ऑपरेशन लिया माने पॉजिटिव। तो आप कोई भी तीन नेचुरल नंबर उठा लीजिए, कोई भी तीन। मैंने कहा वन प्लस टू मैं कर देता हूं और बाद में थ्री प्लस करता हूं, तो आप कहेंगे वन प्लस टू बोले तो थ्री, थ्री प्लस थ्री बोले तो सिक्स। अच्छा, हमने कहा हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं। तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव वन सिक्स, सेम वैल्यू इज देयर। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है, बहुत छोटे क्लासेस में हम थे, क्लास थ्री फोर फाइव में भी चीज बताई जाती, वहां बताया जाता है कि भैया वन प्लस टू करेंगे और प्लस थ्री करेंगे इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस यहां पर फिल इन द ब्लैंक। वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो नाम थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, तो इसको हम सेविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और आगे बढ़े तो उसको मोनाइट कहते हैं। तो नेक्स्ट आएगा मोनाइट, इसको नोट कर लीजिएगा, सेविंग ग्रुप। नेक्स्ट आएगा मोनाइट। मोनाइट का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी और इसमें आएगी, देखिए मोनाइट, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में लिया द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब हम जी इज अ सेट, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी बाई डी इज कॉल्ड मोनाइट इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग लॉ, फॉलोइंग लॉस, ये कुछ लॉस को फॉलो करे। सबसे पहली चीज ये फॉलो क्या करेगी, वो तीन प्रॉपर्टी तो रहेंगी रहेगी। ठीक है, किसी बुक में अगर लिखा हो कि जी बाइंडिंग इज कॉल्ड द, वो कह दे द सेमी ग्रुप जी बाइंडिंग इज कॉल्ड मोनाइट, तो जैसे उन्होंने कहा सेमी ग्रुप जी बाइंडिंग इज कॉल्ड मोनाइट, समझ जाइए कि सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी तो हो गई पहले। तो पहली बात ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, यानी यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, मतलब ए बाइंडिंग बी, ए बाइंडिंग बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी अगर दो एलिमेंट जी में है तो उनका ऑपरेशन करने पर जो भी नंबर आएगा वो जी में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ मतलब अभी बता चुके कि भाई ए बाइनरी बी करे, जो रिजल्ट आए उसका बाइनरी सी करे, या ए बाइनरी बी बाइनरी सी करे, वैल्यू विल बी द सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये जो है ना, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक साइन आता है देयर एग्जिस्ट, ये मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ साइंस होते हैं, नाम होते हैं, तो उन्हें याद कर लीजिए। फिर ये है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें और आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरी प्रॉपर्टी और आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जरा समझने की कोशिश करिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब जरा इस आइडेंटिटी को पहचानिएगा, पहले इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि हमने कुछ बताया। छोटे क्लासेस में हम पढ़े हैं, छोटे का मतलब आप बहुत बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन में है तो सभी नीचे वाले छोटे क्लासेस हो गए, क्लास 12, 11 सब छोटे क्लासेस, अब आप बड़े हो गए, इसको हायर मैथमेटिक्स कहा जाता है, अब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, आपने पढ़ा है कि किसी नंबर में क्या एड कर दें कि वही नंबर आ जाए, तो आप कहेंगे भैया जीरो एड कर दें तो वही नंबर आएगा, यानी जीरो को ऐड करने पर ये नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो जीरो इज आइडेंटिटी। चूंकि ऑपरेशन पॉजिटिव है इसलिए इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये छोटे क्लास में पढ़ा आपने। अच्छा, इसके बाद किसी नंबर में अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वही नंबर आ जाए, तो आप कहेंगे भाई वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने वही आएगा, तो वन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, मीन्स दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां चूंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो एक सिंबॉलिक ऑपरेशन दिखाया जाएगा, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम देंगे वो सिंबॉलिक होगा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रहे हैं ना ये सिंबॉलिक है ऑपरेशन, सिंबॉलिक का मतलब एक सिंबल है, वो पॉजिटिव हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिंबॉलिक है, तो यहां फिर आइडेंटिटी एलिमेंट सिंबॉलिक होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट जी के अंदर लेंगे
जिसका ऑपरेशन करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े। हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट का साइन होता है ENG, यानी कि स्माली, ये स्टैंडर्ड नाम है आइडेंटिटी का। अब आपने एक साल आइडेंटिटी का नाम आई होना चाहिए, आपको स्माली दे दिया, तो क्या किया जाए? जैसे अब दे दिया, सच दैट अगर मैं ई का किसी भी एलिमेंट के जी से ऑपरेशन करता हूं, जैसे अभी पे प्लस कर रहा था, वही प्लस समझो इसको, तो वैल्यू यही देगा। अच्छा, इसको चाहे उल्टा कर दो, ई ए बाइनरी ई, तो वैल्यू विल बी द सेम, तो ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज कॉल्ड ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, समझे बात? तो ये आपका मोनाइट है, अगर तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो इट इज कॉल्ड मोनाइट, ठीक है। अब आता है ग्रुप, इसी में हम बताएंगे, एक प्रॉपर्टी को और बढ़ाते हैं, ग्रुप जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे कि जी बाइनरी इज कॉल्ड ग्रुप, ग्रुप इफ इट फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव करना चाहिए, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करना चाहिए, चौथी प्रॉपर्टी एक और होगी, इसको लिख लीजिएगा, चौथी प्रॉपर्टी ये होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जरा इस इनवर्स को समझिएगा, फिर चलते हैं छोटे क्लासेस, वही छोटा जब आप ऐसे छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है, हाइट में नहीं, हाइट तो अलग अलग हो। सुनिए ध्यान से, आपने पढ़ा है कि अगर मैं एडिटिव ऑपरेशन एडिशन का लेता हूं, प्लस का ऑपरेशन लेता हूं, और आपसे कहा जाए कि टू में से क्या प्लस कर दें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे भैया माइनस टू प्लस कर दें, आ जाएगा। तो माइनस टू इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, टू का एडिटिव इनवर्स माइनस टू है और माइनस टू का एडिटिव इनवर्स टू है, यानी दो नंबर को प्लस करने पर अगर एडिटिव आइडेंटिटी आती है, वे नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है तो दो नंबर को टू को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप कहेंगे भाई टू को अगर 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, तो जो 1/2 है ना, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ टू है, और टू जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1/2 है। इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कि ए का एक ऐसा नंबर हम लेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो यहां पर वैल्यू आए वो ई आ जाए, मतलब ऑपरेशन करने पर, मैं मल्टीप्लाई नहीं यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन, तो आप लिखेंगे कि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अब इनवर्स एक्चुअली में ये वो वाला इनवर्स नहीं है, ये मैं ध्यान रखिए, ये इनवर्स 1/a वाला नहीं है, ये इनवर्स ये है बस इसका इनवर्स, जैसे टू का इनवर्स अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी एडिशन की बात करूं तो ये एक्चुअली में माइनस टू है, ठीक है। सच दैट अगर मैं ए का बाइनरी करता हूं ए इनवर्स से तो ही आता है, या उल्टा भी करूं ए इनवर्स बाइनरी ए तभी आता है। तो इफ इट फॉलोज दीज प्रॉपर्टीज देन इट इज कॉल्ड ग्रुप, ग्रुप शुड फॉलो दिस फोर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी अगर फॉलो करे तो क्वासी ग्रुप कहते हैं या इसको ग्रुपाइट कहते हैं, दो प्रॉपर्टी फॉलो करे 1/2 यानी एक करेगा तो क्वासी ग्रुप, दो करेगा तो सेमी ग्रुप, तीन करेगा तो मोनाइट, चार करेगा तो ग्रुप। अगर एक एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टी होती है तो उस ग्रुप का एक और नाम आ जाता है एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो हम वहां बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इस बात को जरा समझ लीजिएगा, अभी इसके बारे में फिर हम बात कर रहे हैं, ये नोट कर लिया, ठीक है। देखिए मैं इस इनवर्स को फिर आपको बता दूं, अब आप कहेंगे भाई ए पे आपने इनवर्स चढ़ाया है, तो अगर इनवर्स चढ़ाओगे तो 1/a हुआ नहीं भैया, ये वो वाला इनवर्स नहीं है, हमने कहा ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक का मतलब अगर मैं जो बाइनरी ऑपरेशन है ना अगर उसको मैं प्लस कर रहा हूं तो ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए होगा, जिसको आप ए इनवर्स लिख रहे थे ना एक्चुअली यहां पर माइनस ए होगा, है ना। अगर मैं इस ऑपरेशन को मल्टीप्लाई का कर रहा हूं
तो ए का जो इनवर्स वन अपान ए होगा वो ए इनवर्स टू भी बाई चांस लिखा जाता है उसको इनवर्स, तो ये ए इनवर्स एक्चुअली वन अपान ए नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेशन है। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑपरेशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप। एक और टाइप का ग्रुप आता है एबिलियन ग्रुप, मतलब वो ग्रुप तो है ही है लेकिन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन एबिलियन ये ना देखना स्मॉल ई कैपिटल ई लिख रहे हैं एबिलियन ग्रुप, इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, एक नाम इसका और है कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो देखिए इसकी जरा डेफिनेशन में अजीब तरीके से लिख रहा हूं, नहीं वैसे ही लिखी जाती, मैं कुछ अपनी तरफ से लिख रहा हूं। हम कहेंगे अ ग्रुप जी बाइनरी इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप, इफ, अब देखिए मैं कह रहा हूं अ ग्रुप जी बाइनरी, जब मैं उसको ग्रुप मान रहा हूं यानी मैं पहले से आपसे कह रहा हूं कि वो ग्रुप है, ग्रुप है बोले तो वो चार प्रॉपर्टीज को अल्टीमेटली फॉलो करता है, ठीक है। इफ क्या होगा कि ए बाइनरी बी करे या बी बाइनरी ए करे वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए बाइनरी बी करे चाहे बी बाइनरी ए करे तो अगर ये वैल्यू सेम आती है तो वो एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। तो यानी कि वो चार प्रॉपर्टी के साथ साथ में ना ये चौथी प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप की डेफिनेशन है, बहुत बेसिक पहला वीडियो है मेरा। एक्चुअली मैं और क्लासेस की क्लास 11 कुछ वीडियो हमारे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब ये हुआ कि सीनियर जो हायर मैथमेटिक्स की कुछ वीडियो बनाए हैं तो वैसे तो सब पढ़े हैं वीडियो, कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रहा हूँ। अब अपनी अपनी टेक्निक सर अलग अलग बताने की तरीके अलग अलग, प्रयास मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो।